पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के तत्वावधान में एक दिवसीय योग कार्यशाला के माध्यम से आप सभी छात्र छात्राओं के मानसिक एवं शारीरिक विकास के लिए हम कुछ योग और प्राणायाम के माध्यम से आसनों के माध्यम से आपको जागृत करने के लिए आपके अंदर जागरूकता पैदा करने के लिए हम यहाँ आए हैं। मैंने यहाँ लिखा एक दिवसीय योग कार्यशाला यानी एक दिन में होने वाले 10-20-30 मिनट में होने वाले इस योग कार्यशाला के माध्यम से मैंने यहाँ पर लिखा आसन। क्या लिखे यहाँ पर? ये क्या लिखे है? सुखासन। क्या है? यहाँ पर मैंने लिखा है प्राणायाम। क्या लिखे है? फिर नीचे लिखे है कि विद्यार्थियों के लिए विशेष लाभकारी जो छात्र हैं, जो पढ़ने वाले हैं, उनके लिए ये तीन प्राणायाम करेंगे तो हमें ज्यादा लाभ मिलेगा। इसे कंसेंट्रेशन पावर बढ़ेगा, इसे एकाग्रता बढ़ती है। पूनम कुमारी, पहला का क्या नाम है? दूसरा का क्या नाम है? आई है। तीसरे का क्या नाम है? रामरी। तो ये आसन है, जैसे हम लोग पांचवी बार के बैठते हैं और दूसरा के आसन में बैठ करके और आप ये तीनों तरह का अभ्यास कर सकते हैं। बता, ये भस्त्रिका प्राणायाम। तो भस्त्रिका प्राणायाम में 5 सेकंड तक धीरे धीरे सांस भरते हैं और 5 सेकंड तक धीरे धीरे सांस को छोड़ते हैं और 5 मिनट तक इसका अभ्यास करते हैं। और जब 5 मिनट अभ्यास करेंगे तो आपके शरीर का पूरा रक्त शुद्ध ब्लड शुद्ध हो जाता है। और दूसरा अभ्यास करते हैं अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में दाहिना हाथ उठाइए आप लोग, रघुमा लेना दाहिने को दाहिने हाथ में अपने दाहिने हाथ धीरे धीरे कुमारी दाहिने नाक पर दाहिना उठा रखिए और बाएं नाक से धीरे धीरे सांस भरिए और बाएं नाक से जब सांस भर ले तो पुनः बाएं नासिका को बंद करके और दाहिने नाक से पुनः सांस को छोड़ना है। फिर से सब सुनिए एक बार, दाहिने अंगूठे को दाहिने नाक पर रखिए, बाएं नाक से धीरे धीरे सांस भरिए, बाएं नासिका को बीच की दो उंगली से बंद करिए और दाहिने नाक से धीरे धीरे सांस को छोड़िए। जब ऐसा अभ्यास आप करेंगे 5 मिनट तो बाएं नासिका से जब सांस भरते हैं तो दिमाग का दाहिना हिस्सा संतुलित होता है। सांस भरते रहिए और बाएं नासिका से सांस भरते हैं तो दिमाग का दाहिना हिस्सा और दाहिने नाक से जब सांस भरते हैं तो दिमाग का बाया हिस्सा संतुलित होता है। बाएं नासिका को हम कहते हैं चंद्र स्वर। क्या कहते हैं? और दाहिने नासिका को कहते हैं सूर्य स्वर। चंद्र स्वर शीतलता का प्रतीक है और सूर्य स्वर उष्णता का, गर्मी का। हमारे शरीर के अंदर ठंडक भी है और गर्मी भी है। जब दोनों नासिका से बार बार हम इस प्राणवायु को अंदर और बाहर करते हैं तो हमारा ध्यान एकाग्र होने लगता है, हमारा दिमाग इधर उधर विचलित नहीं होता है और जो हम पढ़ाई करते हैं, जो कुछ हम सुनते हैं वो याद होने लगता है। तो आप सभी इस अनुलोम विलोम के अभ्यास को आप 5 मिनट से लेकर के 15 मिनट